तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ भारत और रशिया को लेकर आ रही है और अचानक से भारत ने अपना फैसला बदल दिया है और भारत का कहना है कि अब हम रशिया का माल नहीं खरीदेंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि भारत के अंदर गेहूं का जो भंडार है वो सीमित बचा हुआ है और भारत के अंदर गेहूँ के दामों को कंट्रोल करने के लिए भारत को रशिया से गेहूँ इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए भारत सरकार करीब 80 लाख से 90 लाख टन जो गेहूं है वो रशिया से इंपोर्ट करने के बारे में विचार कर रही थी ताकि भारत के अंदर गेहूं की कीमतों को बढ़ने ना दिया जाए और इनको सामान्य कीमत पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। परंतु आज ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत ने अपना यह जो फैसला है उसको बदल दिया है और हमारे जो खाद्य सचिव हैं जिनका नाम संजीव चोपड़ा है, उन्होंने मीडिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया के साथ गेहूं इंपोर्ट करने की भारत की कोई भी योजना नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 1 अगस्त 2023 तक जो गेहूं का भंडार है वो 2,80,00,000 टन का है जो कि हमारे हिसाब से करीब 50,00,000 टन गेहूं ज्यादा ही हमारे पास स्टोर है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 आते आते भारत के पास 1,61,00,000 टन गेहूं का भंडार बचेगा जो कि 87,00,000 टन गेहूं हमारी भारतीय जनता के हिसाब से ज्यादा ही होगा और इस 87,00,000 टन में से जो सरकार है वो 50,00,000 टन गेहूं को खुले मार्केट में बेच देगी जिससे जो गेहूं के प्राइस हैं वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे और इसी कारण से भारत रशिया के साथ गेहूं इम्पोर्ट करने का जो प्लान है उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं कर रहा है। फिलहाल में रशिया को अपना गेहूं बेचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन उसके जहाजों को निशाना बना रहा है और भारत ने भी रूस का गेहूं लेने से इनकार कर दिया है। पर आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत ने जो रशिया का गेहूं इंपोर्ट ना करने का फैसला लिया है वो क्या भारत का सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।